एक कक्षा 6 और 7 की जो कार्य पुस्तिका है उसको भरवाना शुरू करते हैं। तो निकालो आप पहला। तो इसमें पहला प्रश्न देखो आप है, दिए गए चित्रों का उनके नाम से मिलान करना है। पहली क्या दिख रही है आपको, ढोलक। तो ढूंढो ढोलक कहाँ लिखा हुआ, इधर है, नीचे से दोनों ओर मिल गया। तो इनको मिलाना है, पेंसिल से मिला दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इसको सितार बोलते हैं, सितार, ये सितार से मिला दो। फिर ये क्या है, मुरली, बांसुरी, बांसुरी ऊपरी ऊपर लिखा पड़ा है, बांसुरी, इनको ढंग से देखो। फिर क्या है, शंख, ये नीचे पड़ा है। और फिर क्या है, गिटार, ये गिटार ऊपर लिखा है, ठीक है। यही भरा है क्या, पहले किसी ने भरा था, ऐसे ही भरा है या गलत भरा है। अब आओ दूसरा प्रश्न देखो, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखो। तो ये क्या है, पहला फूल किसका है, गेंदा का। तो गे ऊपर बिंदी और दैदवात, गेंदा, ठीक है। फिर ये दूसरा नीचे वाला क्या है, सूर्यमुखी, सूरजमुखी, सू सू बड़ा आएगा, सूरज, अगर छोटा लगाते हो तो जगह सूरज, सूरज नहीं होता, सूरज, सूरज। फिर अगला कमल है, और फिर इधर क्या है, गुलाब, ये किसका फूल है, छोटा गुला और बे बकरी, गुलाब। अब देखो, यातायात संकेतों को पढ़कर सही का चिन्ह लगाना है। कभी आपने यातायात के चिन्ह सड़कों पर चलते हुए देखे हैं क्या लगे हुए, थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करो। पहला क्या है, पीछे मुड़ना, वेरी गुड। फिर क्रॉस वाला क्या है, हैं, रुको, सही है। फिर तीसरा, हॉर्न न बजाएं, और ये काटा नहीं होता ना, तो होता है हॉर्न बजाएं। फिर ये किसका निशान है, सीधा चलें, और ये दाएं मुड़ें, क्या दाएं, बाएं दाएं पता है, इधर होता तो ये बायां होता है, इधर होता है तो दायां, ठीक है। अब आओ कार्य पत्रक 2, इसमें पहला प्रश्न देखो, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। ये इतने सारे शब्द लिखे हैं ना, इनके लिए आप एक शब्द क्या लिख सकते हो, गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, कमल, फूल लिख सकते हो, सभी फूल ही है ना, तो इनके लिए एक शब्द आ गया। अब है, ये तो करके दिया है उसने, आगे आपको करना है, सेब, संतरा, लीची, अमरूद, ये क्या है, तो यहाँ लिखो फल, फैल है फल, ठीक है। फिर टमाटर, मटर, गोभी, करेला, ये क्या है, तो से, आधा, बे, बड़ी, जी, जे, जग, सब्जी। फिर है मैना, कोयल, चिड़िया, तोता, ये क्या है, हाँ, तो पक्षी, बड़ी क्षी, क्षेत्र, ज्ञ, पक्षी। फिर भालू, हिरण, बंदर, शेर, पशु, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, जो शब्द समूह से अलग हो उस पर गोला करना है। जैसे एक इसने करके बता दिया, सर्दी, गर्मी, बरसात, बादल। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तो मौसम होते हैं, बादल अलग हो गया। फिर है तालाब, धूप, नदी, झरना, तो धूप, क्यों, क्योंकि धूप अलग चीज़ है, तालाब, नदी, झरना, ये पानी वाली चीज़ें हैं, तो धूप अलग हो गया, समझ गए। आगे देखो, मछली, हाथी, खरगोश और चीता, तो इसको अलग देखो कैसे करोगे, हाथी, खरगोश, चीता तीनों जमीन पर रहते हैं और मछली पानी में रहती है, तो ऐसे अलग कर लो इसको, ठीक है ना। अलग करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। और ऐसे प्रश्न है जो बीएड एसटीसी करते हैं उनमें आते हैं, ये तार्किक प्रश्न होते हैं ये। फिर अगला है चिड़िया, मच्छर, कोयल, तोता, इनमें अलग कौन सा है, मच्छर, क्योंकि चिड़िया, कोयल, तोता, इनको पक्षी बोलते हैं, और मच्छर भले ही उड़ता है पर इसको पक्षी नहीं बोलते, तो मच्छर अलग हो गया, समझ में आ रही क्या।
फिर तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में एक शब्द अन्य शब्दों से अलग है, उसे बॉक्स में लिखें। एक शब्द अलग मिलेगा, उसको अलग लिखना है। तो देखो कौन सा, चम्मच, कटोरी, थाली, टेबल, तवा। हाँ, टेबल अलग चीज है और ये तीन चारों चीजें जो है रसोई में काम आती है। चम्मच, कटोरी, थाली, बर्तन, तवा, ये रसोई में काम आती है, टेबल अलग चीज है। तो यहाँ टेबल लिख दो। टेबल क्या होता है? मेज। फिर है चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली और जड़। चिड़िया, क्योंकि ये पक्षी है तो यहाँ चिड़िया लिख लो। और ये जो चिड़िया लिखा है ना, इधर सुनो ध्यान से, कई बच्चे सोचते हैं कि चिड़ी एक वचन है और चिड़िया बहुवचन है। नहीं, चिड़िया भी एक वचन है। क्यों? ये प्यार से बोलते हैं, जैसे बोलते ना कोई छोटी बच्ची होती है गुड़िया, ऐसे बोलते ना, तो गुड़िया वो बहुवचन नहीं हुआ। बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना पड़ता है, चिड़िया, अब ये बहुवचन हो गया। समझ में आ रही है? लेकिन ये जो चिड़िया लिखा ना, ये तो प्यार से बोलते हैं, गुड़िया, बिटिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चिड़िया कहते ज्यादा हो गया बहुवचन, नहीं, एक यही है। ये तो प्यार से बोलते हैं, और बहुवचन बनाना तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। अब आगे देखो, स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम और किताब। तो स्कूल अलग हो गया। कैसे? ये सारी पढ़ने वाली चीजें, काम में आने वाली चीजें हैं, और स्कूल तो वो भवन है जिसमें ये सारी चीजें लेकर के हम पढ़ते हैं। तो स्कूल अलग हो गया। यहाँ स्कूल को क्या बोलते हैं? विद्यालय। क्या बोलते हैं? विद्यालय। अब है पायजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी, शर्ट, चद्दर, क्योंकि बाकी तो है ना पहनने के काम आती है, शरीर पर पहनी जाती है, पायजामा, कुर्ता, साड़ी और शर्ट, और चद्दर जो है वो ओढ़ने के काम आती है। तो यहाँ हो गया चद्दर। ये आधा दे है, फिर ये पूरा दे, चद्दर। कई इसके नीचे भी लगा देते हैं, ठीक है ना, कई हलंत लगा के लिख देते हैं। अब देखो अगला, दिए गए चित्रों में चेहरे के हाव भाव को पहचान कर उनके नीचे लिखिए। तो ये देखो क्या है, पहला लिख के दे दिया खुशी, ये ऊपर मुंह है ना खुशी, और नीचे मुंह लटक गया, ही हो गया उदासी। क्या? उदासी। और ये है आश्चर्य। आ दुए वाला जो आधा से छे, ये के ऊपर है आश्चर्य। आश्चर्य से लिख लेना, गलत मत लिखना। आ और पहला से ना, दुए वाला से है ना, से शलगम, तो आधा और चेर ये के ऊपर रहे। और अगला है क्रोध। क्या? कह के पैर में रह, ओ की मात्रा और दे। ये को नहीं है, ये को की मात्रा नहीं है, ये रे की मात्रा है, तो क्रोध, ठीक है। अब तीसरा और चौथा करेंगे कल, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।